को ले डूबेगा। और हुआ भी, 1947 में भारत के दो टुकड़े हुए, भले पाकिस्तान के रूप में उसके दो भूभाग उसके पास गए, एक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, एक पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में, लेकिन वह बहुत दिनों तक अपने उस भूभाग को भी संभाल के नहीं रख पाया। पूर्वी पाकिस्तान उससे अलग हो गया उसके अत्याचारों से, उसके शोषण से, उसने अपने आप को अलग कर दिया। यह कहना कि मजहब के आधार पर वे सुरक्षित हो जाएंगे, तो आखिर पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान तो एक ही मजहब था, लेकिन कोई सुरक्षित नहीं हो पाया। वहां पे किस प्रकार का अत्याचार हुआ था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे, देखेंगे 1970-71 के दौरान या उससे पहले किस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेशी माता और बहनों के साथ किस प्रकार का क्रूरतम अत्याचार किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और परिणाम था 1971 में बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान को भी एक विभाजन के दौर से गुजरना पड़ा था। पूर्वी पाकिस्तान जब 1947 में बनता है, बंगाल का एक बड़ा भूभाग बांग्लादेश के रूप में जाता है, लेकिन वहां की गरीबी, वहां की भुखमरी को वे समाप्त नहीं कर पाए। याद करिए, बांग्लादेश प्राचीन काल से ही, जो आज का बांग्लादेश है, ये बंगाल प्राचीन काल से ही भारत के टेक्सटाइल के हब के रूप में जाना जाता था। बंगाल का महीन वस्त्र दुनिया में विख्यात था, उसकी अपनी एक पहचान थी, उसकी अपनी एक ब्रांड थी। कला के लिए आज भी बंगाल जाना जाता है। आज भी आप देखते होंगे मूर्ति कला के रूप में जब बंगाली कलाकार आता है, एक सामान्य मिट्टी के एक ढेर को एक मूर्ति में बदलने में उसे देर नहीं लगती। एक कला उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा है, उसकी स्वयं की प्रतिभा है, लेकिन कुछ लोगों को इस सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक दुखद त्रासदी के दौर से भारत को विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला, और जो सैकड़ों वर्षों के बाद जो भारत अपनी आजादी के जश्न को बड़े उत्साह के साथ मनाता, और अखंड भारत अगर अपनी आजादी के उत्सव को मनाता, तो दुनिया के लिए एक महाशक्ति के रूप में भारत को खड़े होने में बहुत देर नहीं लगती। लेकिन जिन्हें भारत की इस ताकत से परेशानी थी, उन्होंने भारत को एक महाशक्ति के रूप में 1947 के बाद की यात्रा से बनने से रोका, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। किसी को पद चाहिए था, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए थी, किसी को कुछ और नाम से आगे बढ़ना था। परिणाम हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, ये तिथि हम सबको एक नई प्रेरणा देती है, इतिहास के उन दुखद क्षणों से कुछ सबक लेने के लिए भी प्रेरित करती है। ये वही सबक हैं कि अगर समाज विभाजित है, चाहे वह जाति हो, मत हो, मजहब हो, क्षेत्र हो या भाषा, ये दुखद विभाजन, या जब भी कोई समाज, कोई समुदाय स्वयं के स्वार्थ को राष्ट्र के ऊपर थोपने का कुत्सित प्रयास करेगा, तो उसकी त्रासदी से संपूर्ण मानवता को जूझना पड़ेगा।
यही हुआ था 1947 में 14 अगस्त के विभाजन की त्रासदी कुछ लोगों के स्वार्थ को राष्ट्र से ऊपर रख करके इस देश को विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला था। और इसीलिए आज हम सबका संकल्प होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ, मेरे परिवार का स्वार्थ, मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब, मेरे क्षेत्र, मेरी भाषा का स्वार्थ कभी भी मेरे राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता। हर भारतवासी का एक ही संकल्प होना चाहिए और वह संकल्प होना चाहिए राष्ट्र सर्वोपरि का, नेशन फर्स्ट का। अगर कभी मुझे चयन करना हो तो मैं पहले अपने राष्ट्र को स्वीकार करूंगा। दुनिया के अंदर जिन देशों ने प्रगति की, उन देशों की प्रगति के पीछे नेशन फर्स्ट की ही उनकी थ्योरी है। दुनिया के अंदर किसी भी देश में आप चले जाइए, उनके मन में एक ही भाव है और अभाव है कि मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। स्वामी विवेकानंद ने भी इस देशवासियों से एक ही बात का आह्वान किया था। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के प्रांत में भारत आए थे और उस समय प्रश्न उनके सामने रखा था, लोगों ने, भारतवासियों ने रखा कि स्वामी जी आप तो दुनिया के मंच पे गए, दुनिया में आपको इतनी सराहना मिली, इतना सम्मान मिला, लेकिन हमारा देश तो गुलाम है, हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा था कि भारतवासियों का सबसे बड़ा दायित्व है अगले 50 वर्ष तक भारतवासी एक काम करें, वे केवल एक बात की उपासना करें और उपासना करें केवल भारत माता की। भारत माता के रूप में सभी को वे मान लें, मां दुर्गा को भी उसी के रूप में मान लें, मां सरस्वती को उसी रूप में मान लें, मां लक्ष्मी को उसी रूप में मान लें, शिव को भी उसी रूप में मान लें, विष्णु को उसी रूप में मान लें, सभी देवी देवताओं का वास भारत माता में है और भारत माता को हम सभी देवी देवताओं के वास के रूप में मान लें। इस दृष्टि से जिस दिन हर भारतवासी के लिए एक संकल्प होगा कि मैं अपने देश को स्वतंत्र करा दूंगा तो भारत को स्वतंत्र होने में देर नहीं लगेगी। और यही हुआ, आपने सुना होगा ना, एक बार एक जापानी नागरिक से पूछा गया, याद करिए 1945 में जापान दुनिया का पहला देश था जिसके अंदर एटम बम गिरा था और हिरोशिमा और नागासाकी दो उसके शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे, जापान तहस नहस हो गया था। 1945 में जो जापान एक प्रकार से बर्बाद सा हो गया था, वह जापान दुनिया के विकसित देशों में खड़ा है। एक जापानी नागरिक से पूछा गया कि आपकी प्रगति का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। उनसे पूछा गया कि भाई आप बहुत भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, अगर बुद्ध और देश में से किसी को चयन करना होगा, उन्होंने कहा बुद्ध के अनुयायी हैं, लेकिन अगर बुद्ध भी हमारे देश की एकता में बाधक बनेंगे तो हम अपने देश के साथ खड़े होंगे। अनुयायी होना दूसरी बात है, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हमारे लिए नेशन फर्स्ट होगा, पहला होगा, देश पहले होगा। और भाइयों बहनों, आज जापान की प्रगति और एक विकसित देश के रूप में जापान
कि तकनीक का लोहा पूरी दुनिया मानती है, हिंदुस्तान को भी भारत को भी अगर एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होना है, हर भारतवासी का एक ही दायित्व तो होता है और होना चाहिए कि हम नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि जब हम इस मार्ग का अनुसरण करेंगे तभी भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर पाएंगे। और जब एक ताकतवर कोई होगा तो याद करना उसका कोई विभाजन नहीं कर पाएगा, उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। उसको कोई उसके कोई हिस्सा नहीं मांग पाएगा। और याद रखना ताकतवर की हमेशा पूजा होती है। अपने देश को इतना शक्तिशाली बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि जो ये विकृतियां आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में घुसती हैं, ये कुछ कुरीतियां हैं, कुछ विकृतियां हैं, इन विकृतियों का समाधान, इन बीमारियों का समाधान स्वयं ये देश अपने आप ही निकाल ले। और आज हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। आज की तिथि इसी बात को लेकर के हम सबको अतीत की गलतियों का परिमार्जन करने का एक अवसर दे रहा है। हम अतीत की गलतियों का परिमार्जन करें, इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। इस बात के लिए आज की तिथि एक प्रेरणा है। और जब आज की इस गलती के परिमार्जन की दिशा में हर भारतवासी आगे बढ़ेगा, हर प्रदेशवासी आगे बढ़ेगा, तो याद करना कि तभी स्वाधीनता का आनंद का अवसर हम सबके सामने, एक नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको ताकत देगा। मैं एक बार विभाजन की त्रासदी में उन लाखों ज्ञात अज्ञात नागरिकों को जो निर्दोष थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, एक गलत राजनीतिक निर्णय के कारण जिनको विभाजन की त्रासदी से जूझना पड़ा था, कालकल्पित हुए, बर्बर अत्याचार का शिकार हुए, अपने परिवार अपनी भूमि को उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उन सबको मैं स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, कालकल्पित हुए उन सभी बंधुओं को, बहनों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन विभाजन की त्रासदी को झेलने के बाद भी हिंदुस्तान आए हुए उन पूरे समुदाय को, जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के माध्यम से न केवल स्वयं प्रगति की बल्कि भारत को परम वैभवशाली बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, वह एक नई प्रेरणा भी है, एक सराहनीय पहल भी है। आज आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने अलग अलग कार्य प्रारंभ किए। उस समय बहुत सारे, यानी जितने लोग आए थे खाली हाथ आए थे, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, सरकार के द्वारा इतना सहयोग नहीं हो पाया था उस समय, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से जो आज करके दिखाया है, यह अन्य लोगों के लिए भी एक नई प्रेरणा हो सकती है। मैं इस अवसर पर उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब अपने देश के बारे में सोचेंगे, इस प्रकार की त्रासदियों से आने वाले समय में मानवता को जूझना पड़े, इससे हम सब सबक लेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको कल भारत अपना 77वां स्वाधीनता दिवस मनाएगा, आप सबको आज के अवसर पर मैं
विभाषण की त्रासदी से सबक लेते हुए 77वें स्वाधीनता दिवस की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।